गाइस, दिस इज निखिल शर्मा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने क्रिकेट 19 गेम इंस्टॉल कर ली है, तो उसके बारे में आज हम खेलते हैं एक मैच क्रिकेट 19 की। आपको गेम का ब्लॉग आएगा आज, और आज हम खेलेंगे आईपीएल टीम का मैच जो रॉयल सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में खेलेंगे। तो 10 ओवर का खेलेंगे, तो चलो चलते हैं सीधे गेम खेलने के लिए। जय माता दी। तो बस थोड़े लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर स्टार्ट हो जाने वाली है बस। तो हमारा हैदराबाद और बैंगलोर का मैच है, 10 ओवर का मैच लगा रहे हैं हमने, तो चलो सीधे खेलते हैं अब। तो गाइस, हमारा ये मैच स्टार्ट हो चुका है, और ये देखो ये एम्पायर आप, वाह यार। तो चलो, काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। ये सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच है, तो 10 ओवर का मैच है, 10-10 लिखा हुआ। मेलबर्न ग्राउंड में खेल रहे हम, तो चलो पर अब खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैच आपको अपना। और आप ग्राउंड देख सकते हैं, ये हमारी टीम डेविड वॉर्नर, जेन बॉस्टन सारे हैं। बस अभी लोडिंग हो रही है, तो अभी प्लेयर आएंगे, टॉस होगा। ये देखो विराट कोहली और ये डेविड वॉर्नर। तो डेविड वॉर्नर ने यहाँ पर कॉइन उछाला और ये आया, देखते कौन जीता। तो ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीत गई टॉस, और विराट कोहली ने देखते हैं क्या मांगा है। विराट कोहली ने यहाँ पर बैटिंग का निर्णय लिया, थोड़ा छोटा लिखा हुआ नीचे, तो बैटिंग का निर्णय लिया हुआ है। तो अब खेलते हैं, प्लेयर आएंगे बाहर। काफ़ी मज़ेदार गेम है गाइस ये वाली, और ये टीम देख सकते हैं। और वाशिंगटन सुंदर वगैरह पहले बैटिंग कर रही है बैंगलोर, तो चलो इनको बैटिंग करने देते हैं, देखते हैं कितना स्कोर मारते हैं 10 ओवर के अंदर। ये हम बॉलिंग कराते हैं, अभी बड़ी देर बस खेल रहा हूँ, मतलब खेल ली पहले, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर करा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट बॉल, और ये ओहो, तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर चढ़ा हुआ स्ट्राइक पे। 10 ओवर का मैच है पूरे, तो अभी विराट कोहली दूसरी बॉल, बुवी थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जो चलो अब ठीक है। अभी दूसरी बॉल भुवनेश्वर कुमार की, ओ यहाँ विकेट कीपर के ऊपर सीधे थ्रो, दो बॉलें दो रन। तीसरी बॉल, फिर यहां पर शॉट खेला वाशिंगटन सुंदर ने, अब यहां पर चौथी बॉल लॉकर मार पे से। ओ डायरेक्ट थ्रो, ये विराट कोहली, वाओ। अब यहां फोर्थ बॉल, ये इसलिए हो रहा है थोड़ा न्यू हो ना, आसा सा सीख रहा हूँ, कीबोर्ड से खेल रहा हूँ। और ये फिफ्थ बॉल है, ओ क्या शॉट है, सिंगल ले लिया। और आप ग्राउंड देख सकते हैं, और ये लास्ट बॉल पहले ओवर की भुवनेश्वर कुमार की, फील्डिंग खुली और ये चौका चला गया मेरे ख्याल से। फील्डिंग चलकर बाग 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 बचा लिए यहाँ पे चौका। ये कौन सा चौका हो गया, चौका कहाँ पर आ गया। अब दूसरा बॉलर हमारा संदीप शर्मा, चलो संदीप शर्मा से विकेट निकालते हैं। फील्डिंग काफी अच्छी थी, अभी पावर प्ले है, सारे अंदर रहेंगे, एक ही बार रहेगा खाली सर्कल के। ओ ये यॉकर कैच आया पर नहीं, शॉर्ट बॉल आगे चलेगी, तो चौका चलेगा। 10 ओवर में टारगेट कम ही रखूंगा मैं, पर देखते कितना मारते हैं। और ये चौका देखो कैसे गया, ये पूरा फोर रन ऐसे गए, तो काफी अच्छा प्लेड कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर ने मारी शॉट।
अब डालते हैं इसको सीधे यॉकर, ये डाल दिया हमने सीधे यॉकर, ये यॉकर डाली और फील्डिंग काफी अच्छी करी है आपको स्थिर कीपर के पास, बेन स्टोक के पास। काफी अच्छी गेम है गाइस क्रिकेट वाली। अब इसके कैमरा एंगल भी देख सकते हैं, मैंने सेट किए हैं, आप बताना ठीक है कैमरा एंगल इसके। तो अब ये फिफ्थ बॉल ओवर की और यहाँ पर फिर से मैच थोड़ी सी वो हो गया, बटन ही दबा पाया और फिफ्थ बॉल जा रही है अब संदीप शर्मा की। ओह काफी अच्छी बॉल डाली यहाँ पर, थोड़ा क्लोज रह गया है। रिप्ले दिखाते हैं, मैं अभी नहीं दिखाया। लास्ट बॉल संदीप शर्मा की, ओ फट शॉट यार, शॉट बिच मार गया, क्या कर रहे हो। अरे विराट कोहली ने शॉट मारी यहाँ पर, तो अब शॉट देखो कितनी अच्छी मारी है, ओवर हो गया। अब राशिद खान आ रहा है, माय फेवरेट बॉलर, तो अब राशिद खान से बॉलिंग कराते हैं हम, तो देखते हैं विकेट ले पाते हैं। ओहो बॉलिंग है राशिद, तो ये मैं अभी डिफिकल्टी में मीडियम पे खेल रहा हूँ, क्योंकि हाई में मीडियम में भी काफ़ी टफ है, अगर हाई पे खेलूँ तो हाई भी काफ़ी टफ हो जाती है, अभी मैं मीडियम पे खेल रहा हूँ, ईजी में फिर मज़े से फिल हो जाता है, इस वजह से मीडियम ठीक है। और सेकंड बॉल राशिद की, और जल्दी बाग थ्रो सीधे विकेट 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 की बॉलर, हाँ शाबाश राशिद ने कंट्रोल करके रखा हुआ अभी मैच। तो राशिद खान की तीसरी बॉल, 20 रन हो चुके हैं और ये मेलबर्न ग्राउंड है काफी अच्छा है, तो ये तीसरी बॉल राशिद खान की, तो ठीक है अभी तक चौका कोई नहीं खाया, ये अच्छी बात है, राशिद खान है ना बॉलर। वाशिंगटन सुंदर, और ये देखो, और ये चौथी बॉल, और ये शॉट मारी इसने, ओ हो हो मेरे खास से छक्का चले गया, और ये सिर्फ चौका 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 गया। और ये विराट कोहली ने, विराट कोहली का स्टाइल देखो, अरे ये चौका कैसे गया सीधे स्ट्रेट, अरे फोर रन। तो चलो अब देखते हैं राशिद खान क्या कर रहा है, विकेट ले यार। ओ विराट कोहली का एक और चौका, अभी थोड़ा न्यू खेल रहा हूँ, थोड़ा अभी इतना समझ नहीं आ रही है। अरे देखो चौका विराट कोहली का, वाह यार वाला शॉट। अरे लास्ट बॉल राशिद की, ये भी महंगे बढ़ गए हैं, और लास्ट बॉल ठीक है, तो 3 ओवर हो चुके हैं और स्कोर हुआ है 29 रन और 7 ओवर रह चुके हैं रिमेनिंग, तो उससे संदीप शर्मा आ गए हैं, अब एक विकेट लेनी पड़ेगी यार, इनकी पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी। ओह क्या चाहा था पर चौका हो गया, और फर्स्ट बाउंस अब मारते सीधे ऑकर, ओ ये पहली बॉल अच्छी गई है, शाबाश संदीप शर्मा। और ये तीसरी बॉल, ओहो काफी अच्छी ऑकर मार रहा है संदीप यार, तो ये संदीप शर्मा काफी अच्छी ऑकर मार रहा है यार, पूरे पैरों पे टारगेट रखा हुआ है वाशिंगटन सुंदर को। ओ ये कोई ऑकर है, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए बॉय, ग्रेट। तो ये ऑकर बड़ी अच्छी चल रही है संदीप शर्मा की, ये देखो उसको शॉट ही नहीं मार पा रहा, तो थ्रो मार ले डेविड वार्नर। बॉलिंग काफी ग्रेट कर रहा है संदीप शर्मा, ओ एक और यॉर्कर, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है यहाँ पर संदीप शर्मा, वो रन हो चुके हैं, काफी कम रन दिए इस ओवर में। अब अगला शायद भुवनेश्वर कुमार आएंगे, हाँ नहीं राशिद खान आ गए, और 4 ओवर 33 रन ऑन बोर्ड, आप ये राशिद खान से विकेट लेने की उम्मीद है। चलो चौका तो नहीं गया था, काफी शाबाश फील्डिंग अच्छी कर दी,
अब बॉलिंग है, बॉलिंग है। मैं 5 ओवर तक करूंगा बस इनकी बैटिंग, बाद में इनको स्किप कर दूंगा, फिर अपनी बैटिंग खेलेंगे हम अपनी, फिर पूरे ओवर खेलेंगे। तो 5 ओवर देखते कितने रन मारते हैं। रैगी 3 बॉलें रह गई हैं, फिर मैं स्किप कर दूंगा, मतलब ओवर स्टिमुलेट कर दूंगा, फिर इनकी बैटिंग ओवर अपने आप हो जाएगी, फिर मैं खेलूंगा। तो पहले मेरे आएंगे डेविड वार्नर और बेन स्टोक्स, देखना। ओ वाह यार, राइट से लेफ्ट चल के शॉट मारी विराट कोहली ने। विराट कोहली भी ऐसे छोटे मारते हैं, विराट के छक्के। अभी 2 बॉलें रह गई है राशिद खान की, और एक और विराट कोहली तो बहुत तेरी, विराट कोहली तो मान रहा ही नहीं है। गुड विराट कोहली, और एक और चौका चले गया, ये देखो राइटी से लेफ्टी। और लास्ट बॉल राशिद खान की, 43 रन हो गए हैं 5 ओवर के अंदर, 5 ओवर रह चुके हैं, तो हम स्किप कर लेंगे। और हाँ बस ठीक है, तो चलो अब 5 ओवर हो गया, अब हम इसको स्किप कर लेते हैं 5 ओवर। तो चलो हम कर लेते हैं ओवर स्किप, सिमुलेट पे जाते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं बैंक सिमुलेशन। तो ये हम पूरे कर लेते हैं बैंक सिमुलेशन, पूरे 10 ओवर तो हो गए। तो 10 ओवर में इन्होंने स्कोर मारा है, आरसीबी ने 109 स्कोर मारा, देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ 109। तो हमें मारना है अब 110। तो पहले आगे हमारे स्ट्राइक पे डेविड वार्नर, और दूसरी साइड जॉनी बेन स्टोक। तो ये आपको पता है जोड़ी इनकी काफी तगड़ी होती है, तो 60 बॉलों में 110 चाहिए। तो चलो अब इनको हराते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। व्हाट ए शॉट, ओ क्या शॉट थी डेविड वार्नर की यार, डेविड वार्नर। तो बॉलिंग करा रहे हैं मोहम्मद सिराज, रन ले लेते हैं, एक रन ले लिया यहाँ पर। अब स्ट्राइक पे है जॉनी बेस्टो, ये जॉनी बेस्टो, इसके आपको छक्के तो पता ही होंगे गाइस, काफी अच्छा आईपीएल में किया है। तो चलो 58 बॉलों में 109 रन चाहिए यार, व्हाट ए शॉट। और फील्डिंग देखो यार, बच गया बच गया बच गया, 2 रन हो चुके हैं। अभी सिंगल लेके कर रहे हैं, सिंगल लेके थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि ये काफी अच्छी जोड़ी मानी जाती है डेविड वार्नर बेन स्टोक्स। ये टूट गई तो हैदराबाद को बड़ा नुकसान हो सकता है। ओ शॉट है यार, बॉल है बॉल, तब भी रन ले लिया हमने। बेंच से सोचते हुए कि क्या अब हम छक्के मारने की स्ट्रेटेजी बनाए। अभी डेविड वार्नर स्ट्राइक पे, तो पहले इनको थोड़ा सेट होने देते हैं, थोड़ा सिंगल सिंगल निकालते हैं। ओ शॉट है डेविड, पर यहाँ फिल्टर लगा हुआ घर से, बच गया। तो यहाँ पर ओवर भी कंप्लीट हो गया, देखो ओवर भी हो गया, मेरे रन कितने हुए अभी, 5 रन, 11 की रिक्वायर रेट है, मेरे 5 आ रहे हैं हर ओवर में। ओ हो हो क्या बॉल है यार, नो एबल टू कनेक्ट, वार्नर कुछ कर ले। अब मैं सोच रहा हूँ इस अगली बॉल के बाद ना, इसके ये नेक्स्ट बॉल होगी, इसमें छक्का उठाऊंगा। ओ देखो कैसे शॉट खेली इसने। तो अब डेविड जॉनी बेन स्टोक्स स्ट्राइक पे है, अब इनसे मैं 6 उठाता हूँ, अब जो मर्जी हो जाए इस बॉल पे छक्का, ट्राई करते हैं मारने की। तो देखते हैं क्या रहता एक्सपीरियंस। ओ यार इससे मारना चाहिए था, ये बोल रहे भाई चहल, तो अब मारते हैं सीधे छक्का। नहीं बॉल ही बड़ी अच्छी आ गई, ओ यार ओ यहाँ पर विकेट, क्या शॉट उठा दी यार, आप देख ही सकते हैं क्या शॉट उठाई मैंने। ये देखो तो क्या फायदा। तो अब जॉनी बेन स्टोक्स चल जाते हुए अब आएंगे यहाँ पर
स्ट्राइक पे हम लाते हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन आ गया, ये काफी अच्छा खेलते हैं, ये जिताएंगे हम। अभी नया खेल रहा हूँ ना, बड़ी देर इंस्टॉल किए, पहले फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ तो काफी टफ लग रहा है। ओ ये माइक की आवाज देखी आपने, फिंगर निकालना ही था। सात रन और एक विकेट, ओह व्हाट ए शॉट। ये देखो मैंने कहा था ना विलियमसन काफी अच्छा खेलता है, तो काफी अच्छी शॉट है विलियमसन की। अब वार्नर विलियम, युवेंद्र चहल, चहल करा रहे हैं बॉलिंग यहाँ पर। वाह है चहल की बॉल, देखो चहल को दिखाते हैं मजा। ओहो काफी क्लोज था, काफी टर्न हो रही है चहल की बॉल। 11 रन एक विकेट के नुकसान पे। हमारा भी बॉलर है, वो देखो उससे मिसफील्ड होगी। अगर मिसफील्ड नहीं होती तो जरूर आउट हो जाता। मिसफील्ड भी खा रहा है। 46 बॉलों में 98 रन, आपको क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा? विलियमसन है हमारे साथ और एक डायरेक्ट थ्रो में गया, ओ बच गया। ओ सीधे बॉल, चहल की बॉलिंग देखना, ये देखो आप सीधे आउट। अब मैच जीतना और टफ लग रहा है क्योंकि वार्नर और बैंस दोनों आउट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बैट्समैन देखते हैं, ये वार्नर भी गया। अब नेक्स्ट बैट्समैन हमारा मनीष पांडे है केदार। अब अब्दुल समाद बुलाते हैं जो हमारे जम्मू के ही है, तो नेक्स्ट बैट्समैन अब्दुल समाद, ये देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर, तो काफी अच्छा खेलते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या खेलते हैं। ओह यार क्या शॉट है, अब्दुल समाद है जम्मू का खिलाड़ी, क्या शॉट है। ओह ओके अब्दुल समाद, तो 17 रन हो चुके हैं और अब्दुल समाद स्ट्राइक पे। ओह एक और चौका, आते ही दो लगातार अच्छी बाउंड्री अब्दुल समाद के द्वारा। व्हाट ए प्लेयर, ये हमारे जम्मू का खिलाड़ी। ओवर भी शायद कंप्लीट हो गया, 3 ओवर 21 रन। अभी हमारे साथ है विलियमसन, ओ ये तो मेरे ख्याल से वाइड होनी चाहिए या फर्स्ट बाउंस, हाँ फर्स्ट बाउंस। बॉलर है के जेम्सन, हैदराबाद जीतेगी आज, ऐसे तो नहीं जीती पर आज जीतेगी। ओह क्या शॉट है विलियमसन की यार, वॉक के स्टाइल ही अलग है विलियमसन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 रन हो चुके हैं और 2 विकेट नुकसान पे और 40 बॉलों में 87 रन चाहिए, तो बने रहना लास्ट तक, काफी मजा आने वाला है इस मैच में। बैंगलोर की थोड़ी मिस फील्डिंग हो जाती है, कैच भी छोड़ते हैं काफी। 39 बॉलों में 86 करना पड़ेगा अब्दुल समाद आपको कुछ। ओ नहीं 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 बागी है, 38 बॉलों में 86। काफी टफ हो रहा है खेलना यहाँ पर, लास्ट बॉल रह गई ये 4th ओवर की। खेला ही नहीं, क्या हो गया इसको। तो अब्दुल समाद स्ट्राइक पे, 36 बॉलों में 85 रन, 25 रन हो चुके हैं। ओ वाकई शॉट है,
आउट है। अब्दुल समाद ने यहाँ पर शॉट उठाई क्योंकि रन रेट काफ़ी चाहिए थी, रन काफ़ी हैं, तो आपने विकेट यहाँ पर गवा दिया अब्दुल समाद ने, तो कोई बात नहीं, अच्छा खेला। ये शॉट देखो अब्दुल समाद की, पर बात तो नहीं, सीधे आउट। चहल के आउट में नहीं, किसके हैं, चहल तो बॉलिंग लगा रहे हैं, तो अब्दुल समाद चले गए। तो अब हम आएंगे हमारे यहाँ पर अगले मनीष पांडे, तो मनीष पांडे आ गए, तो चलो अब मनीष पांडे से हम। ओहो रन आउट नहीं हो जाए। ओ गाइस यहाँ पर जिसकी उम्मीद थी वो भी गए, केन विलियमसन भी आउट हो गए, रन आउट हो चुके हैं। अब केदार यादव हमारे नेक्स्ट बैट्समैन, हमारा काफ़ी बुरा हाल हो गया है यहाँ पर हैदराबाद का। कोई बात नहीं, नया खेलता हूँ, सीख जाऊँगा आस्ते आस्ते। 25 रन ही हुए हैं अभी। ओला एक और विकेट। चहल यहाँ पर मशर गया, ये पूरी स्ट्राइक लग गई यहाँ पर, तो हमने क्यों लेना यहाँ पर चैलेंज, आउट ही है, हम रिव्यू लेंगे नहीं। ये पूरा यहाँ पर एज लगी बैट की और आउट। नेक्स्ट बैट्समैन है हमारा रिद्धिमान साहा, तो रिद्धिमान साहा आगे हमारे नेक्स्ट बैट्समैन, तो आप रन देख सकते हैं गाइस कितने हैं, 25 पे पहुंच और 33 वालों में 85 चाहिए। अब तो मेरे को मात्र औपचारिका ही रह गई हैं, औपचारिका पर नहीं, अब नहीं हो सकता कुछ। 32 वालों में 85। ओ देखो बॉलिंग देखो, पूरी डिफिकल्टी है, तो फिर बॉलिंग भी नहीं हो रही है हमसे, हमसे खेले भी नहीं जा रहा है, बॉलिंग हमारी तरफ से बड़ी खराब है। ये शॉट तो हमारी, पर फील्डिंग देखो बैंगलोर की, अब बड़ी तगड़ी फील्डिंग हो चुकी है। अब हर्षित पटेल बॉलिंग कराते हुए, हर्षित पटेल टिंडे हो गए, टिंडे ही है ना, तो रिद्धिमान साहा स्ट्राइक पे। तो 29 वालों में 83 बजेगा गाइस स्कोर, मुझे डर लगता बजेगा, ट्राई तो कर रहे हैं पर देखते हैं क्या होता है। चलो कोशिश करते हैं शॉट उठाने की, शॉट तो मारी है, सिंगल से होना काम बनेगा यार, इधर छक्के चाहिए यार, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी चाहिए रन रेट। सिंगल से कुछ नहीं बनेगा, सिंगल से खाली 31 रन, उन्होंने 109 बनाया, मैंने कितने बनाए 30 रन बनाए अभी देखो, टफ है। चलो उठाते हैं शॉट रिद्धिमान साहा से, ये देखो लास्ट बॉल आएगी सिक्स ओवर की, और 25 बॉल में 80 रन। ये शुगर है पीछे, अब बॉल काफी बाउंस डाल दी तो चौका बढ़ गया, वाइड भी आएगी, एक और बॉल डालेंगे। 25 बॉल में 75 रह चुके अब, और शॉट मारी रिद्धिमान साहा ने पर सीधे फील्डर के हाथ में, सेट भी नहीं हुए थोड़े से पहले यहाँ पर आउट हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर विकेट दे सकते हैं, अब कैसी गई, तो काफी शॉट मारने की कोशिश की यहाँ पर रिद्धिमान साहा ने, वो सीधे हाथ में कैच, काफी अच्छा कैच किया। रिद्धिमान साहा भी आउट होते हुए, तो अब अगले बैट्समैन आए राशिद खान, राशिद खान क्या कर सकते हैं, बाकी प्लेयर नहीं चले तो। और शबाज अहमद बॉलिंग कराते हुए, और केन विलियमसन है अभी यार, विलियमसन है अभी, अभी उम्मीदें हैं हमारे में, ये देखो विलियमसन है अभी, व्हाट ए शॉट यार,
अभी हमारा विलियमसन है यार, मुझे लगा आउट हो गया। तो विलियमसन हमें मैच जिता सकते हैं। तो 23 बॉल में 71 रन विलियमसन अभी है, तो थोड़ा क्लोज कर ही ले मैच। मिस नहीं करनी, स्ट्राइक भी नहीं देना, अर्शद खान है अगर ये। चलो ओह व्हाट ए शॉट, क्या शॉट है यार विलियमसन की। जब तक विलियमसन है तो थोड़ा कुछ हो सकता है अभी। तो शॉट देखो विलियमसन की, वो यार नहीं। यहाँ पर राशिद खान भी आउट हो गए, रन नहीं लेना चाहिए था पर ले लिया। राशिद खान का भी नुकसान हो रहे हैं, रन तो कोई मारा ही नहीं, रन आउट हो चुके हैं। चलो भुवनेश्वर कुमार नेक्स्ट बैट्समैन, स्ट्राइक पे है भुवनेश्वर कुमार और 20 बॉल में 67 रन चाहिए। ओ शुगर क्या शूट किया भुवनेश्वर कुमार की, शॉट देखना बॉय है। स्ट्राइक पे हैं अभी विलियमसन, इनको भी सिंगल देना पड़ेगा यार, 3 ओवर आ गए हैं। ओ सीधे आउट, ये चक्कर हुआ, खेलना वहां था सीधे, वहां बॉल टर्न हो गई। अब तो मैच खत्म हैदराबाद हार, विलियमसन भी यहां पर आउट हो चुके हैं। तो बस अब क्या रह चुका, कुछ नहीं रहा। संदीप शर्मा ही क्या करेंगे, 18 बार 66 रन, खाते हैं चक्कर इनसे, देखते क्या होता है। मारते ओह शॉट तो क्या छूट गया भाई, काफी टफ गेम है। हाँ हाँ चक्का मारोगे आप, मैं जरूर मारोगे चक्का, ट्राई करते हैं फिर बैक मारते हैं शॉट पीछे की तरफ। ये वाइड होनी चाहिए, वाइड सतारा बॉल में 65, अब नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं बच सकता। तो लग रही नहीं बैट में, तो एच एंड आउट आउट आउट। आज आरसीबी ने यहां पर भी साबित कर लिया कि हम जीतेंगे, रिव्यू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आउट है। जाओ वापस, ये एच लगी और सीधे आउट, डिविलियर के पास कैच, भुवनेश्वर कुमार आउट हो गया। और लास्ट विकेट रहेगी हमारी जो कि आएंगे नटराजन, देखते हैं नटराजन क्या करते हैं। 15 बॉले 65 रन, बिल्कुल नहीं बच सकते, बच सकते हैं पर ये मारेंगे सिंगल से ही लेंगे, डबल एक के ले लिया और डबल ले लिया, रन पर आउट नहीं हो जाए। ओ बच गए, दो रन निकाल देने ट्राचर ने। तो नटराजन फिर अच्छा खेल रहा थोड़ा, और दूसरी साइड है संदीप शर्मा, शाबा संदीप शर्मा 13 बॉल में 62 रन और 48 रन मारे मैंने। ओ, दो ओवर आ गए गाइस और रन चाहिए 61, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और शहबाद अहमद है यहाँ पर बॉलर, पर शॉट तो मारी पर नहीं, सिंगल से कुछ होना ही नहीं है ऐसे। 11 बॉल में 61, तो गाइस फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ तो थोड़ा आप
जितने रन मार दिए 50 तक का ये भी बड़ा है, और डिफिकल्टी भी मैंने काफी रखी हुई है। शॉट काफी अच्छी मारी है हमें, क्योंकि डिफिकल्टी काफी ज्यादा रखी है, तो देख सकते हैं आप। अगली बार कोशिश करूंगा अच्छा परफॉर्मेंस देने की। तो आज घर में थे, हमने ब्लॉक किया यही 10 बॉलों में। और नहीं 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 नो नो नो, ये आपको आवाज आ रही है, माइक की आवाज है। 9 बॉलों में 59 रन। ओ यार शिट 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 शिट, शॉट है यार, पर दो रन निकालते नहीं नहीं रहने दो रहने दो रहने नहीं 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 ओ। अब हमें 7 बॉल में 58 रन चाहिए नटराजन से। हम अब शॉट मराएंगे, बहुत कुछ हो गया, 52 रन हो चुके हमारे, अब नटराजन से शॉट मराएंगे हम। पर यहाँ पर वाइट होगी है, सात बॉलों में 57 है। ओह वाकई शॉट है नटराजन, बाकी किसी ने कुछ किया नहीं, नटराजन ने थोड़ी फिर अपनी हिम्मत दिखाई है, टेलेंडर ही ठीक थे। पर चलो हम जीत नहीं पाए, पर ठीक है, वाशिंगटन सुंदर है यहाँ पर बॉलिंग करा रहे हैं, और 6 ओवर में 53 रन, लास्ट ओवर आ चुका है। तो आपको आई होप की वीडियो अच्छी लग रही होगी। ओ वाकई यार नटराज, संदीप शर्मा ने भी शॉट अच्छी दिखाई यार, पहले वाले बैट्समैन ही चले तगड़े वाले, टेलेंडर चल रहे हैं सारे। संदीप शर्मा भी यहाँ फॉर्म में आ चुके हैं, 5 में 49 रन, आउट तो नहीं होगा, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, अंपायर कह रहे नॉट आउट, डिसीजन ले रहे हैं कि रिव्यू ले या नहीं ले। भाई नॉट आउट है, क्यों लोगे आप रिव्यू? अब 4 बॉल में 48, हम सोच रहे हैं छक्के मारने की कोशिश करें, बेशक चलो अब पता है हम मैच आ चुके हैं। कीपर कहाँ से आ गया? कीपर थोड़ा भी इनविजिबल दिख रहा है। शॉट है यार, शॉट है यार, संदीप शर्मा व्हाट ए शॉट संदीप, अब शॉट देखो यार प्लेयर का संदीप का, वाह यार मौज ही कर दिया भाई ने। अब 2 बॉल में 44 रन गाइस, हार गए हैं पर चलो तब भी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा दिया इन दोनों बैट्समैन ने। ओ बच गया, 1 बॉल में 43 रन, ये नहीं हो सकता, पर चलो लास्ट बॉल में छक्का उठाने की कोशिश करेंगे। लाइट यहाँ पर लाइट ऑफ हो चुकी है, तो लास्ट बॉल में छक्का मारने की कोशिश करते। ओ नो, तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही यार, तो बैंगलोर यहाँ पर जीत चुकी है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, पहली बार मैं खेल रहा क्रिकेट 19, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय।